फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेक न्यू ट्यूटोरियल, बट आई हैव सम क्वेश्चंस टू यू, बिकॉज इन फास्ट आई सॉ सम पीपल आस्क मी टू मेक ट्यूटोरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सम पीपल ऑल्सो इन्फॉर्म मी and request me to make my tutorials in Hindi. कुछ बंदे ने इंग्लिश में बनाने के लिए बोला है, कुछ बंदा हिंदी में. और सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं इतना मेहनत करके जो ट्यूटोरियल बनाता हूँ उस पर डिसलाइक भी आ रहा है. तो मैं किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए तो ये बना नहीं रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ लोगों को सिखाने के लिए. तो आप मेरे ट्यूटोरियल से सीख पा रहे हैं या मस्ती ले रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता है. तो मैं देखता हूँ सर्च करके कि इंडिया में से कोई एक दो बंदा मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर भी दुख इसलिए लगता है कि जिन लोगों को सिखाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ वो लोग मेरे ऊपर मतलब अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए डिसलाइक दे रहे हैं. कुछ लोग ईर्ष्या में कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है कौन है, ये भी पता चल गया है. पर दुख इस बात का है, अपना काम को अच्छा करो, दिखाओ, बनाओ दूसरों को. काम में आप अगर अच्छा बोलेंगे या करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है. मैं कोई एंटरटेनमेंट देने के लिए करने के लिए नहीं बनाता हूँ, लोगों को सिखाने के लिए. और दुख के बाद ये भी है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है. मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूँ, हिंदी में भी नहीं. मेरा मादर लैंग्वेज है बंगाली, फिर भी मैं हिंदी में इंग्लिश में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ. आई ऑलवेज ट्राइंग माई ऑल ट्यूटोरियल्स टू मेक इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, एंड इन पास्ट ट्यूटोरियल्स आई ऑल्सो मेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, बट सम पीपल डिसलाइक मी एंड हेट मी ऑल्सो, एंड आई फील टू मच सैड व्हेन आई सॉ इन माई ट्यूटोरियल सम पीपल डिसलाइक. सो आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू वॉन्ट गुड एंड बेस्ट ट्यूटोरियल फ्रॉम मी, प्लीज डोंट डिसलाइक मी. अगर आपको लोगों को नहीं देखना है तो मत देखो, पर अगर सीखना है तो डिसलाइक मत दो. प्लीज लाइक मी, गुड कॉमेंट्स. इफ यू डिसलाइक मी मोर देन आई टोटली स्टॉप टू मेक एनी न्यू ट्यूटोरियल फ्रॉम मी. नाउ आई एम मेकिंग अनदर न्यू ट्यूटोरियल. इन दिस ट्यूटोरियल आई स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, बिकॉज सम पीपल्स टोल्ड मी टू मेक इन इंग्लिश, सम पीपल टोल्ड मी इन हिंदी. सो आई एम टोटली कन्फ्यूज. फर्स्ट यू क्लियर टू ऑल इन व्हिच लैंग्वेज यू वॉन्ट. फर्स्ट टूडे आई विल ट्राई टू मेक दिस ट्यूटोरियल इन इंग्लिश एंड समटाइम्स आई ऑल्सो स्पीक सम हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, बट प्लीज डोंट डिसलाइक मी. थैंक यू. Today I will make this 3D and I will show you how to make this type of 3D. आज मैं ये ट्यूटोरियल बनाऊंगा और इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थोड़ा थोड़ा करके बात करूंगा. आप लोग एक्चुअली लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, इस काम को कैसे मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आप सीख जाएंगे. पर आप लोग आपस में इंग्लिश हिंदी अदर लैंग्वेज के बारे में अगर ये झगड़ा वगैरह करेंगे, इस तरह का कमेंट डालेंगे तो मैं पूरा म्यूट करके ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और डिसलाइक एक भी आएगा तो मैं फ्यूचर में ट्यूटोरियल बनाना बंद कर दूंगा. तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस फोटो इन ऑन आर्ट कैम्प. पहले मैं ये फोटो को आर्ट कैम्प के ऊपर छोड़ दूंगा, फिर ये खुल जाएगा. नाउ आई विल मॉडिफाई विथ साइज, अभी साइज अनुसार मैं इसको सेट करूंगा. फर्स्ट वी सिलेक्ट मेथड ऑप्शन इमेज साइज, देन टेक यूनिट इन इंचेस. तो पहले मैं मेथड इमेज साइज सिलेक्ट करके यूनिट इंचेस में लेंगे, फिर हाइट विथ अपना जो जरूरत है उस हिसाब से मैच करेंगे. नाउ वी अरेंज द साइज एज पर रिक्वायरमेंट. सपोज वी पुट द विथ 24 inches, height should be 11.59 with aspect ratio. तो मैंने अगर width को 24 inches बनाया तो height उसके अनुसार
ये 11.5969 पे सेट हो जाएगा। नाउ वी विल सिलेक्ट यूनिट्स इन मिलीमीटर, अभी मिलीमीटर में हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस ओके। नाउ फुल स्क्रीन दिस स्क्रीन, नाउ गो टू विंडो ऑप्शन एंड सिलेक्ट टाइल वर्टिकली। अभी विंडो ऑप्शन में जाके हम सिलेक्ट वर्टिकली करेंगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ टू व्यू वी कैन सी, दिस इज 2D व्यू एंड दिस इज 3D व्यू। नाउ वी फुल स्क्रीन द 2D व्यू, तो ये करने के वजह से क्या होगा, दोनों व्यू हमें दिखेगा। अभी लाइन आटॉक ड्रॉ करने के लिए हम खाली 2D व्यू को जूम करेंगे। नाउ जूम इन दिस 2D व्यू, ओके। नाउ स्क्रॉल इन, अभी स्क्रॉल इन करके इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसके बाद जूम इन करके हम इसको और थोड़ा जूम कर लेंगे। नाउ वी विल जूम इन एंड वी विल सी दिस इन बिग साइज, ओके। नाउ वी सिलेक्ट क्रिएट पॉलीगॉन, प्रेस कंट्रोल की, क्लिक वन देन प्रेस कंट्रोल की एंड क्लिक देन राइट क्लिक। तो हम इधर क्या किया, जूम इन करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करके नीचे के तरफ क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया। नाउ सिलेक्ट दिस वन एंड प्रेस F9, अभी इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस कर दिया, इससे क्या होगा, ये लाइन मिडिल पे चला जाएगा। नाउ वी डिक्रीज दिस वैल्यू, ये करने से इसका जो ऑपेसिटी है थोड़ा कम हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अभी इसको और थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। नाउ वी क्वाइट जूम इन विद दिस ऑप्शन ऑल्सो वी कैन यूज। नाउ वी सिलेक्ट दिस क्रिएट पॉलीलाइन ऑप्शन, अभी मैं क्रिएट पॉलीलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरह का ड्रॉइंग करूंगा। ओके, नाउ राइट क्लिक प्रेस, राइट क्लिक प्रेस करने से ये जो लाइन हमने ड्रॉइंग किया उधर खत्म हो जाएगा। नाउ वी विल मॉडिफाई विथ स्मूथ ऑप्शन, फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस एंड प्रेस एन, पहले हम इसको सिलेक्ट करके एन प्रेस करेंगे, फिर क्या करना है कंट्रोल ए, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लिया बाहर क्लिक, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे पूरा एरिया को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, तो माउस से हम सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट कर लेंगे फॉर सिलेक्टिंग ऑल नोट्स। नाउ प्रेस एस, एस प्रेस करने से ये स्मूथ हो जाएगा, फिर वी विल मॉडिफाई विथ नोट एडिटर, वी हैव टू केयरफुली ड्रॉ दिस नोट्स, ये नोट को बहुत ही केयरफुली हमें करना पड़ेगा ताकि स्मूथ सही दिखे और बराबर लाइन पे जाए। वी विल केयरफुली ड्रॉ एंड स्मूथ दिस टू मेक कर्व लाइंस विद दिस नोट्स। आफ्टर दिस वन वी विल स्टार्ट मेकिंग 3D, वी हैव टू ड्रॉ वन क्रॉस सिलेक्शन ऑल्सो, प्लीज वेट। तो मुझे क्रॉस सिलेक्शन भी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए वेट कीजिए, पहले इसको हम मॉडिफाई करके सही से सेट कर लें। ओके, नाउ अगेन वी विल ड्रॉ लाइक दिस, नाउ सिलेक्ट अगेन प्रेस एन एंड सिलेक्ट विथ नोट एडिटर, नाउ प्रेस एस। तो इसको पूरा माउस से सिलेक्ट करने के बाद हमने एस प्रेस करके इसको स्मूथ कर लेंगे, फिर इस तरह से इस कार्व को हम मॉडिफाई करेंगे। नाउ वी विल मॉडिफाई with this curve line and notes also, okay. Now
we will draw one circle here. Okay, now another drawing we will try to complete. With mirror option we can make this design easily. I will show you. First we have to draw this line properly. So सबसे पहले हमें properly इस drawing को पूरा करना होगा, फिर हम इसको mirror option को use करके पूरा करेंगे. Practice more and more, otherwise if you see this tutorial you feel this is too much easy, but this is not. In practical field this is not easy, it is quite difficult. If you practice more then you can make this design easily, otherwise this is too much difficult. अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखते रहेंगे तो देखते ही रह जाएगा, ये बहुत ही इजी लगेगा, पर जब बनाने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन यू कैन मेक दिस डिजाइन इजीली. ओके, नाउ अगेन आल्सो सिलेक्ट दिस एंड प्रेस एस. अगेन आल्सो कार्व दिस लाइंस. Now again we will draw like this. Okay, now select this one and press N, select all with mouse, then press S. तो आप इसको draw करने के बाद mouse से पूरा selection कर लीजिए, फिर सब node एक साथ select करने के बाद इसको smooth कर लीजिए. जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिए, और इसी तरह से आपको ये काम करना है. पर प्रैक्टिस के अलावा ये काम आप अच्छा करके नहीं कर पाएंगे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस काम को कर पाएंगे. पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मुझसे अच्छा ट्यूटोरियल मांग रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट डिसलाइक मी. इफ यू डिसलाइक मी देन आई विल स्टॉप टोटली टू मेक एनी ट्यूटोरियल. Because I make this tutorial to guide you, not entertainment giving, not for entertainment giving. This channel is not for entertainment. This is not music or musical any entertainment like other channel. This is tutorial for some creators and for teaching also. If you want to learn from me, please respect me. मैं आप सबसे थोड़ा सा रेस्पेक्ट मांग रहा हूँ, और ये आशा भी रखता हूँ. दुख इस बात का लगता है कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतना मेहनत करके बना रहा हूँ, और आप लोग डिसलाइक दे रहे हैं, जो गलत बात है. किसी को अगर मेरे ट्यूटोरियल से अच्छा नहीं लगता है वो मेरा ट्यूटोरियल मत देखे, पर आप देखेंगे भी और डिसलाइक भी देंगे. देखिए, कोई भी बंदा 100% सही नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, पर मैं जो कर रहा हूँ ये दूसरा बंदा अगर कर पाता है तो वो गर्व की बात है. पर आप लोग सीख रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा रेस्पेक्ट आशा कर सकता हूँ. आप डिसलाइक दे रहे हैं, डिसलाइक देने का मतलब आप लोग मुझे घिन रहे हैं, तो ये गलत बात है. किसी को अगर मेरा ट्यूटोरियल देख के जलन हो रहा है तो अपना काम को अच्छा करने का कोशिश करे. मेरे काम देख के अगर जलन हो रहा है, एक डिसलाइक देने से, दो डिसलाइक देने से मेरा क्या बिगड़ेगा. अपना काम को अच्छा करने के लिए अपना काम के ऊपर ध्यान दे, जिससे वो
अपना काम का क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, इसमें जलन क्यों होंगे, दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग डिसलाइक दे रहे हैं, दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए, दिल को इतना छोटा मत कीजिए। आप ये जो आज के हालत है, जब आप मर जाएंगे तो क्या रख के जाएंगे? आपका पैसा भी नहीं रहेगा, वजूद भी नहीं रहेगा। कम से कम कुछ अच्छा काम करके जाइए ताकि लोग आपके मरने के बाद आपको याद रखें। और मैं ये बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, पर यह सच है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, मैं कोई मजाक मस्ती के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग डिसलाइक क्यों दे रहे हैं? और डिसलाइक अगर देना है मेरा ट्यूटोरियल को अच्छा अगर नहीं लगता है तो मत देखिए। मैं क्या जोर जबरदस्ती आप लोगों को दिखा रहा हूँ? और मेरा ट्यूटोरियल देख के अगर नहीं सीख पाया तो मैसेज डालिए कि आपका ट्यूटोरियल देख के मैंने सीख नहीं पाया। कुछ बंदे ऐसे हैं दूसरों का काम देख के दिल में बहुत जलन होता है, तो जलन होता है तो अच्छा काम करके उसको सही करो, दूसरों का बुराई करके अपना अच्छा नहीं होता है। नाउ यूज दिस ऑप्शन फॉर सेंटरिंग दिस सर्कल। ओके, नाउ हियर वी विल ड्रॉ वन सर्कल लाइक दिस, then shift press and select this line and use this option again. Now press down arrow to keep it downwards. Okay, now select this one, right click and insert node. You can use I pressing also. If you press I, then also it works. Like you, now here you press I, then move it to this position. Okay. Now we have to make this, we just use this oval shape and select with this select note editor option and take in this position, modify like this. तो आप इस तरह से थोड़ा सा modify कर लीजिए, खाली drawing करने से नहीं चलेगा, drawing के साथ साथ उसको सही तरीके से मॉडिफिकेशन भी करना है। और मैं आपसे ज़्यादा व्यू, ज़्यादा लाइक और ज़्यादा अच्छा कमेंट मांग रहा हूँ, और ये मेरा मांगना नाजायज बात नहीं है, जायज़ है, क्योंकि मैं मेहनत करके आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस तरह का ट्यूटोरियल बनाने में अच्छा महसूस हो कि हाँ लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इन लोगों के लिए मुझे बनाना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो मैं बेकार में क्यों अपना टाइम वेस्ट करके बनाऊं? नाउ वी सिलेक्ट दिस एंड प्रेस कंट्रोल ऑप्शन एंड अगेन आल्सो वी मेक डुप्लीकेट विद दिस लाइन एंड मॉडिफाई दिस फॉर दिस शेप। अकॉर्डिंग टू दिस शेप वी विल मॉडिफाई टू मेक दिस टाइप ऑफ शेप। ओके, now again also we select this one and make duplicate with pressing control key. Now rotate, again also make duplicate. Okay, now select note editor and modify, select this one and modify with these notes. This type of 3D making is not difficult, too much easy, but always I
told you and now also I am telling, practice makes more. If you practice more, then you can make this type of design easily. Otherwise, this is too much difficult. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा पर काम सीख नहीं पाएंगे. खाली देखने से नहीं चलता है, आपको प्रैक्टिकली ये काम करना होगा अपना हाथ से, तब जाके आपका हाथ सेट होगा और आप इस काम को सही से बना पाएंगे. Here also with this note we have to modify. और दूसरों का अच्छा काम देख के जल के दूसरों का बदनामी करना वो कायरता है. हिम्मत है तो दूसरों का काम में अच्छाई देख के अपना काम को और अच्छा करना चाहिए, उसको बोलते हैं हिम्मत. पर कायर जैसा दूसरों को बदनामी करना, डिसलाइक देना, वो कायरता है, उसमें कोई मर्दानगी नहीं है. काम अच्छा करना है, अपना दम पे अपना काम करके पोस्ट करो. जैसे मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इस तरह का ट्यूटोरियल बना के लोगों को दिखाइए, कुछ सिखाइए, फिर लोग मानेगा कि हाँ आपके अंदर क्वालिटी है. पर आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं है, आप दूसरों को डिसलाइक करके नीचा दिखाने का कोशिश मत कीजिए, वो गलत बात है. ये अनएथिकल है. अभी क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. तो अगेन वी विल यूज दिस एलिप्स क्रिएशन. Then shift preface and select this line. Now use this option for centering this oval. Now press down key, arrow key, and put it in down. Okay, now we have to modify. Press I. Then do like this. Okay. Now we have to draw some cross selection. Here, 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 and here. Each and everywhere same cross selection. First, we will draw with this. Arc creation, we draw like this, then select this tool and modify, press I here, then press I here and modify like this. Now we check the resolution. First we go to model option and go to adjust resolution option. Here we make this design with high resolution, so we select this. Okay, apply. तो हम resolution option में जाके resolution को थोड़ा modify कर लेंगे, थोड़ा high resolution में काम करेंगे ताकि design अच्छा दिखे, फिर इसको apply कर देंगे. Okay. अभी क्या करना है, now we will go to window option and select tile vertically option. टाइल वर्टिकली ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करेंगे ताकि दोनों व्यू हम देख पाए. ओके, नाउ वी विल यूज टू रेल स्वीप ऑप्शन. विथ टू रेल स्वीप दिस टाइप ऑफ 3D मे बी क्रिएट. सो फर्स्ट सिलेक्ट दिस लाइन, देन शिफ्ट की प्रेस एंड सिलेक्ट दिस अनदर वन. नाउ गो टू टू रेल स्वीप. तो हम पहले ये वाला लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर टूरल स्वीप में जाके इस क्रॉस सिलेक्शन को सिलेक्ट करके एड क्रॉस सिलेक्शन, देन इसको सिलेक्ट करके हम इधर जाके
Now we will go to window, then select tile vertically. अभी क्या करेंगे, इससे दोनों व्यू हम देख पाएंगे. This is 2D view and this is 3D view. Now with tool sweep option we will make this 3D. तो हम tool sweep से इस डिजाइन को बनाएंगे. First we have to select this one, then shift key press and select another one. तो पहले हम ये वाला लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर tool sweep ऑप्शन में जाएंगे, फिर ये क्रॉस सिलेक्शन को इधर ऐड कर देंगे. और हम 10 mm में डिजाइन बना रहे हैं तो 10 mm लिख के हाइस्ट कैलकुलेट. यू कैन सी हियर. ओके, नाउ वी विल सिलेक्ट अनदर लेयर एंड ऑलवेज सिलेक्ट मार्ज हाई ऑप्शन. ओके, नाउ सिलेक्ट अनदर लाइन, देन shift press and select another one, select, then calculate. Okay, now again we select another one and merge high. Now we will select this one, shift key press and select another one, then select, then calculate. Okay, again we select another one and again we merge high this layer, then select this one, shift key press and select another one, select, again calculate. Okay, now each and every layer we select and use mirror option, left over right, apply. Here also select and apply. Here also select, apply, and here also select and apply. You can see very very easily we can make this curve. Okay, now we select another layer and again also we select merge high option. Now we select this and this, right click, save editor, go to save editor and we make it with 90 degree angle, add. Okay, now we decrease the height, select whole layer and put value 10 mm, because we want to make this design with 10 mm. Understand? Now again we select left over right, mirror option. Okay, now again select another layer and merge high. Now select this and right click, save editor. Here also do like this. Okay, add. Then ten mm. Okay, now left over right, okay. Now we have to modify quite. For modifying we will use sculpting option. Go to sculpting and zoom in first, then see here properly. We use smudge brush, select normal, strength quite less. Now do like this.
finish. Okay, now again use mirror option, relieve mirror mask, left over right. Okay, now again we go to sculpting option. And do quite like this. Okay. Now again, use mirror option. Left over right. Now you can see it looks quite better. Now in middle portion you have to use sculpting again and smooth there with normal option. Okay, finish. Now we will select another layer. Okay, and Windows tile vertically, we select here, right click, save editor. Here also no limit, add. We have to modify the height. Go to scale height option and make it as 10 mm. So here we put 10 mm. Okay, then select another one and again also do like this. We have to select another layer again, make it as merge high, add. Okay, now go to this option and again we have to select whole layer, 10 mm selection. Okay, and in select this layer and again also left over right mirror, upper layer select and here also left over right mirror, close. Now again we have to select another layer and select this one and again we will do like this, add. We will modify. Okay, mirror again also left over right. You can see. Okay, now again take another layer, select this one, do like this, तो फिर दोबारा एक लेयर लेके फिर से ऐसे करना होगा और इधर हाइट देना पड़ेगा 10 mm, क्योंकि हम 10 mm हाइट में डिजाइन को बना रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद और एक लेयर लेंगे. अगेन वी विल टेक अनदर लेयर एंड दिस इज आवर लास्ट वर्क. We select this one, right click here, go to shape editor, no limit selection and add.
तो हम बार बार यही सेम काम को करते जाएंगे और इसी तरह से डिजाइन बनते जाएगा, और इसके बाद फिर से हम मिरर करके इसको घुमा देंगे। पहले मिरर कर लेते हैं, गो टू मिरर ऑप्शन एंड लाइक फर्स्ट अगेन वी लेफ्ट ओवर राइट ऑप्शन प्रेसिंग एंड अप्लाई एंड वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ डिजाइन। नाउ वी पुट दिस लेयर हाइट एज 10 mm। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू स्क्लैप्टिंग ऑप्शन एंड वी विल यूज विथ दिस नॉर्मल ऑप्शन, जस्ट वी डू लाइक दिस, बस फिनिश। नाउ वी टेक अनदर लेयर। ओके, मिरर ऑल्सो दिस वन टू दिस। ओके, अच्छा इन दिस लेयर। ओके ओके, ओके नाउ वी विल डू दिस दिस वर्क। सो वी again take another layer and we make some we will draw some curve, half round curve like this, okay. Now we will select this one and this one, okay. With tool swift we just select this one, add cross selection, start height 5 mm and scale final height also 5 mm, calculate. Okay, now mirror this left over right. Now you can see our design completed. So you also can this type of design, okay, try to make, and please give me more likes and good comments, subscribe me, share me, thank you and best of luck. आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्लीज मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोग डिसलाइक देंगे या हेट कमेंट करेंगे या मेरे बारे में गलत सोचेंगे तो मैं इस तरह का ट्यूटोरियल बनाना ही बंद कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।